दो बार से हमने भक्ति आंदोलन के बारे में चर्चा की, भक्ति आंदोलन के कारण, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत और भक्ति आंदोलन के बारे में विस्तृत चर्चा की। आज हम भक्ति आंदोलन के प्रभाव और उसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो भक्ति आंदोलन और इस परंपरा के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत बड़ा सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भक्ति आंदोलन यह एक लोकप्रिय जन आंदोलन था, समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक और बहुत सारी जो विषमताएं थी उन सब विषमताओं को दूर करते हुए यथार्थवादी और आदर्शवादी जो है अभिव्यक्ति इस आंदोलन में हमें दिखाई देती है। पुरोहित वर्ग के एक अधिकार को धीरे धीरे इस आंदोलन ने कम किया। इसके अतिरिक्त जो सामंती व्यवस्था में उस समय में दमन और उत्पीड़न सामंतों के द्वारा किया जाता था उसके विरुद्ध भी संघर्ष करने का एक मार्ग इस भक्ति आंदोलन से प्रशस्त हुआ है। तो पहले इस भक्ति आंदोलन का महत्व और प्रभाव में मैं एक बिंदु पर चर्चा करना चाहूंगा कि निराश हिंदू जनता में एक नवीन शक्ति का संचार इस आंदोलन के माध्यम से हो गया। उसका एक सबसे बड़ा कारण कि उस समय की तत्कालीन विषम परिस्थितियों में जब विदेशी आक्रमणकारियों का यहां पर लगातार आक्रमण, लंबे समय तक उनका शासन और कहीं पर भी कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि मंदिरों पर, धार्मिक स्थलों पर बहुत अधिक अत्याचार होते थे, बलात् धर्म परिवर्तन की घटनाएं यह सामान्य बात थी, इस प्रकार कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। लेकिन भक्ति आंदोलन ने, इन भक्ति संतों ने हिंदू समाज को धैर्य पूर्वक उस परिस्थिति का सामना करना और उस परिस्थिति से बाहर निकलकर ईश्वर मार्ग की ओर प्रशस्त होना और सभी कठिनाइयों को पार करते हुए सभी सामाजिक और जो नैतिक उस समय में बुराइयां थी उसको दूर करते हुए एक प्रेरणा प्राप्त करते हुए इस आंदोलन से और इस संतों से लोगों ने कार्य किया। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन ने निराश हिंदू जनता में एक शक्ति का, एक नवीन शक्ति का संचार किया और संतों के प्रेरणा के द्वारा उन्होंने पुनः हिंदू धर्म और इसकी जनता में जो है एक शक्ति का संचार कर दिया, नवीन प्रेरणा का संचार कर दिया। दूसरी जो प्रमुख बात है कि धार्मिक सहिष्णुता का उदय। उस काल में कट्टरता का वह काल था, लेकिन फिर भी संतों ने धार्मिक सहिष्णुता का प्रयास किया। हिंदू मुस्लिम धार्मिक संतों ने अपने अपने उद्देश्यों में लगातार सामंजस्य की बात कही है। बहुत सारे मुस्लिम संत भी हुए हैं, उन्होंने भी हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों में सामंजस्य की बात कही है और हिंदू संतों ने भी सामंजस्य की बात कही है। इसलिए इस कट्टरता के काल में भी, उस संघर्ष के युग में भी जो है धार्मिक सहिष्णुता, इसका उदय इस आंदोलन के समय में हमें दिखाई देता है। एक और जो सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन या महत्व इसका हम कह सकते हैं कि धार्मिक पाखंडों और आडंबरों पर कुठाराघात किया गया, हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर किया गया, विचारकों ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। बहुत सारी बुराइयां थी, उनका डिटेल में हम अध्ययन करेंगे, तो एक एक जो बुराई थी उसका समापन करने के लिए इन मध्यकालीन संतों ने बहुत अधिक प्रयास किया है। सामाजिक समानता पर बल दिया गया कि ऊंच नीच की भावना, अस्पृश्यता की भावना, इसका घोर विरोध प्रत्येक मध्यकालीन संत ने किया है और उन्होंने कहा कि किसी भी जाति में उत्पन्न होने पर उसका आत्मसम्मान कम नहीं होना चाहिए, उसका आत्म गौरव कम नहीं होना चाहिए। ऐसी इस प्रकार की भावनाएं सभी वर्ग में संतों ने नीचे तक जाकर, निम्न लोगों तक भी जाकर इस प्रकार की भावना की कि नहीं, आपकी आत्मा यह सब एक है और उसके आत्मगौरव का सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। अपने संपूर्ण देश में बंधुत्व की भावना का विकास तो किया ही है, इसके साथ साथ विश्व बंधुत्व की भावना की भी प्रेरणा
इन मध्यकालीन संतों ने दी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक समानता पर मध्यकालीन यह जो धार्मिक आंदोलन था इसने बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई है, जिसका प्रभाव हमें आज भी दिखाई देता है। हिंदू और मुस्लिम समाज पर भी इस भक्ति आंदोलन का, भक्ति परंपरा का प्रभाव पड़ा है। हिंदू समाज पर जो प्रभाव पड़ा उसका हम अध्ययन करेंगे, तो धार्मिक पाखंडों पर कुठाराघात किया गया। इसके अतिरिक्त समाज सुधारकों ने बहुत से श्रेष्ठ कार्यों की प्रेरणा इस आंदोलन से हमें प्राप्त हुई है। सामाजिक जो बुराइयां थी उसको दूर करने में भी इस आंदोलन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे बाल विवाह, बहुविवाह, स्त्रियों की उपेक्षा, दहेज प्रथा, ऐसे अनेक प्रकार के जो सामाजिक बुराइयां तत्कालीन समाज में चल रही थी उनके विरुद्ध इस आंदोलन ने कार्य किया और बहुत इसका विरोध किया। शिशु हत्या इसका विरोध किया, विधवाओं पर होने वाले अत्याचार, ऐसे अनेक प्रकार के दोषों को दूर करने की प्रेरणा इस भक्ति आंदोलन से हिंदू समाज को मिली है। मुस्लिम संपर्क के कारण वेशभूषा में भी परिवर्तन आया, अचकन है, पायजामा है, ऐसे पहनना प्रारंभ किया। भोजन और मनोरंजन के साधनों में भी चौपड़ खेलना है और शतरंज खेलना है, ऐसे प्रभाव उस समय में दिखाई दिए। मेले त्योहारों और उत्सवों में भी दरबार में जिस प्रकार के आयोजन हुआ करते थे, ऐसे बड़े बड़े आयोजन इस मेले त्योहारों और उसमें भी किए जाने लगे। इसलिए भक्ति आंदोलन का प्रभाव इन सब सामाजिक गतिविधियों पर भी हमें दिखाई देता है। भक्ति आंदोलन का प्रभाव केवल हिंदू समाज में पर ही पड़ा हो ऐसा नहीं है, मुस्लिम समाज भी इससे प्रभावित होता हुआ हमें दिखाई देता है। कि मुस्लिम समाज में हम कहते हैं कि प्रारंभ में जाति प्रथा ऐसा भेद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इसका प्रसार हुआ तो मुस्लिम समाज में भी जाति भेद उत्पन्न हो गए। उनमें भी तुर्क है, पठान है, सैयद है, जुड़ाए है, बुनकर है, पिंजारे है, ऊंजड़े हैं, ऐसी आधी जातियां जो है वह वहां पर बन गई। और जो पेशे के आधार पर वह निश्चित रूप से जातियां बनी, प्रारंभ में हिंदू समाज में थी लेकिन बाद में मुस्लिम समाज में भी दिखाई देने लगी। और उनके यहाँ पर भी खान पान का और मेले त्योहारों पर उनके उत्सवों में भी हमारे यहाँ का प्रभाव दिखाई देने लगा। आभूषणों में भी जो हिंदू समाज की महिलाएं और पुरुष इस प्रकार के पहना करते थे वह भी ऐसा ही दिखाई देने लगा। इसलिए इस आंदोलन का प्रभाव सांस्कृतिक समन्वय के रूप में भी हम देख सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस आंदोलन की हम इस महत्व और इसके प्रभाव में दिखाई देता है वह प्रांतीय भाषाओं और साहित्य का विकास। प्रांतीय भाषाओं एवं साहित्य का विकास, इसका सबसे बड़ा जो कारण रहा, डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने कहा कि प्रांतीय भाषाओं और साहित्य में उत्कर्ष का जो समय था वह भक्ति आंदोलन का ही समय था। क्योंकि यह जो संत थे भक्ति आंदोलन के, उन्होंने स्थानीय भाषाओं में ही अपना जो है प्रचार प्रसार किया। अपनी स्थानीय भाषा के कारण साहित्य की अभिवृद्धि इस काल में हमें दिखाई देती है। कबीर, नानक और मीरा ने, जैसे कबीर ने हिंदी साहित्य में काम किया है तो नानक ने गुरुमुखी का उस समय में विकास किया है। तुलसीदास ने हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि की है। गुरु नानक ने, जैसे मैंने कहा, गुरुमुखी की है। नामदेव, तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर ने मराठी साहित्य को विकसित किया है। इस प्रकार इन सबका योगदान, मध्यकालीन संतों का योगदान स्थानीय भाषाओं का, स्थानीय साहित्य का अभिवृद्धि करने में रहा। दूसरा नाम हम ले सकते हैं चैतन्य महाप्रभु का और चंडीदास का, जिन्होंने बंगाली भाषा में साहित्य का विकास किया है। और ऐसे बहुत सारे तेलुगु के कवि पेंगिंग का नाम हम ले सकते हैं। गुजराती भाषा के साहित्य में नरसी मेहता का नाम हम प्रमुखता से ले सकते हैं, जिन्होंने स्थानीय भाषा को विकसित किया है। इसलिए इस भक्ति आंदोलन के महत्व और प्रभाव को तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे अधिक महत्व और प्रभाव जिस क्षेत्र में दिखाई देता है प्रांतीय
भाषाओं और साहित्य का विकास इस काल में हुआ, यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण बात इस आंदोलन की रही है। एक और जो महत्व और प्रभाव इस आंदोलन का रहा कि मुसलमान संत जो है इस आंदोलन में हमें बहुत संख्या में दिखाई देते हैं। उन्होंने इस आंदोलन के फलस्वरूप ही मुस्लिम संतों का उदय हुआ है। उसमें भक्त रसखान खां का नाम हम अग्रणी रूप में ले सकते हैं। रसखान की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति और प्रेम और स्नेह यह हमें दिखाई देता है। यह अपने आप में एक अनूठी बात है कि मुस्लिम संतों के द्वारा भी भगवान से, हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति के आराध्य देवों से प्रेम करना, यह एक बहुत बड़ी बात है। अब्दुल रहीम खान खाना, उसका भी हम नाम ले सकते हैं इस काल में कि मुस्लिम संतों में। तो इन संतों का जो व्यक्तित्व था, उस अपने व्यक्तित्व के कारण जनता की सृजनात्मक शक्ति को उन्होंने और अधिक उसमें वृद्धि की और उस सृजनात्मक शक्ति को प्रेरणा प्रदान करने का कार्य इन संतों ने किया है। और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में इस भक्ति आंदोलन का प्रभाव रहा है। जाति की समानता पर इन्होंने बल दिया है, सामंती प्रथा का विरोध उस काल में उन्होंने किया है, आर्थिक समानता पर इन्होंने बल दिया है, जन साधारण की जनता को जो है और अधिक से अधिक मानसिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाने का कार्य इस आंदोलन में किया है। इसलिए भक्ति आंदोलन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और मैं कहूंगा कि इसका जो प्रभाव है आज भी हमें प्रासंगिक लगता है और दिखाई देता है।